हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लिक्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप नया अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं फेसबुक पर, तो आपको जो अपना नाम है वो अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उसमें डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये फेसबुक ने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे फर्जी अकाउंट फेसबुक पर चल रहे हैं और लोग एक दूसरे से धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने फीचर लॉन्च किया है कि आप अपना नया अकाउंट बनाने के लिए आप अपना नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही उसमें फिट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो जानते हैं कि उसमें आपको किस तरीके से अपना अकाउंट बनाना किस करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक का देखते रहिए। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन फ्लिक्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उस पर दबा दीजिए, बराबर में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें फेसबुक ने क्या कहा है। फेसबुक नए यूज़र को अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। घबराइए मत, फेसबुक ने अपने अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की कोई योजना नहीं बनाई है, बल्कि ये सोशल मीडिया कंपनी यूज़र को आधार की तरह फेसबुक प्रोफाइल में भी पूरा नाम इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। अभी इसकी टेस्टिंग ही चल रही है। दरअसल फेसबुक के इस कदम को फर्जी प्रोफाइल पर रोकथाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि भारत में फेसबुक के करीब 24 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। यूज़र की संख्या के हिसाब से भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, फेसबुक की मोबाइल साइट पर जब यूज़र नया अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त नेम एस पर आधार का सुझाव दिया जा रहा है। दरअसल इस टेस्टिंग के बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी ट्विटर के कुछ यूज़र्स ने दी है। गौर करने वाली बात यह है कि फेसबुक मोबाइल साइट पर नया अकाउंट खोलते वक्त अभी हर यूज़र को ये मैसेज नहीं मिल रहा है। हमने भी अकाउंट बनाने की कोशिश की लेकिन हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला। दोस्तों, मोबाइल पर फेसबुक साइट इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत कम है, इन यूज़र को ही अभी ये मैसेज दिया जा रहा है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा है कि नाम को आधार की तरह लिखना अनिवार्य नहीं है। वैसे फेसबुक यही चाहता है कि यूज़र अपने वास्तविक नाम का ही इस्तेमाल करें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। दोस्तों, एक बात क्लियर कर दी है फेसबुक ने कि फेसबुक द्वारा सिर्फ आधार पर दिए गए नाम को इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। इसके अलावा आधार संबंधित कोई और जानकारी नहीं मांगी जा रही है। ऐसे में आधार से संबंधित प्राइवेसी के उल्लंघन का कोई सवाल नहीं उठता है। वैसे हम आमतौर पर ऐप या इन सेवाओं से संबंधित प्रक्रिया के बारे में रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेसी और आधार से जुड़े विवाद को देखते हुए फेसबुक का ये कदम सार्वजनिक करना ज़रूरी समझा गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।